लेडीज और बच्चे इस वीडियो से दूर रहे, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लोंडो के लिए है। तो दोस्तों, रोमांटिक मूवीज़ देखना हम सबको पसंद है, लेकिन उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, इसलिए किसी से भी इस टाइप के कंटेंट का सजेशन मांगना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 10 अमेजिंग रोमांटिक और एडल्ट मूवीज़, जिसमें आपको वो सब तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ साथ एक क्वालिटी स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रैंडम सुमित, लेट्स मूव इट। 10th पोजीशन पर है 2019 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी द परफेक्ट डेट। ब्रूक्स नाम का एक लड़का जिसे बड़े कॉलेज में जाना होता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो एक एप्लीकेशन बनाता है जिस ऐप से लड़कियां उसको एज अ पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड हायर कर सकती है, और उसके बदले में उसको पैसे देने होंगे। उसके बाद ये ढेर सारी लड़कियों से मिलता है, हुकअप्स करता है, और उसी बीच इसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। उसके बाद स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा भी आएगा। इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी यूनिक है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। 9th पोजीशन पर है 2022 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी अलोंग फॉर द राइड। इस मूवी में आपको दो कॉलेज स्टूडेंट की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिनमें से एक दूसरे से प्यार हो जाता है, उसके बाद दोनों घूमते फिरते हैं, वो सब भी करते हैं जो देख के हम जैसों को जलन हो सकती है। लेकिन ये मूवी एक परफेक्ट रोमांटिक मूवी है और काफ़ी फील गुड वाली वाइब आपको देती है। आपको इसे एक चांस ज़रूर देना चाहिए। नेटफ्लिक्स वालों ने इसका भी हिंदी डब्ड कर दिया है, तो आप इसे हिंदी में भी एंजॉय कर सकते हैं। 8th पोजीशन पर है 2022 में रिलीज़ हुई एक और मूवी। इस मूवी में आपको टेसा नाम की एक लड़की की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसका बॉयफ्रेंड एक एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मरने के बाद भी उसे रीच करने की कोशिश कर रहा है, और इसी बीच आपको कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें भी देखने को मिलेगी। बड़ा ही ठरकी बॉयफ्रेंड है यार, साला मरने के बाद भी चैन नहीं है इसको। खैर, इसकी स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए अगर आप चाहो तो इसको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हो। 7th पोजीशन पर है 2018 में रिलीज़ हुई एक मूवी मिल्फ। इस मूवी में आपको तीन औरतों की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो एक वेकेशन पर जाती है, जहां इन्हें अपने बेटों की उम्र वाले लड़कों से प्यार हो जाता है। उसके बाद मूवी में वही सब देखने को मिलता है जो आप देखना चाहते हो, इसलिए इसे तो ज़रूर देख लेना, आपको चरम सुख की प्राप्ति होगी। ये मूवी भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। 6th पोजीशन पर है 2021 में रिलीज़ हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी आफ्टर वी फेल। इस मूवी में आपको हार्डी और टेसा नाम के दो लवर की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिनकी लाइफ मस्त चल रही है, लेकिन एक दिन टेसा एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेती है, जिसकी वजह से अपने हार्डी भैया के एल लग जाते हैं। अब टेसा ने ऐसा क्या कर दिया कि हार्डी भैया का दिल टूट गया, ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसमें आपको दिल के साथ साथ और भी चीज़ें टूटती हुई नज़र आएंगी, इसलिए अगर आप पलंग तोड़ कंटेंट की तलाश में हैं तो इसे देख लेना, मज़ा आ जाएगा। इसका भी हिंदी डब अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। तो 5th पोजीशन पर है 2022 में रिलीज़ हुई एक और मूवी लुक बोथ वेज। इसके नाम की तरह ही इसमें आपको इसके कैरेक्टर नेटली की दो पैरेलल स्टोरी लाइन देखने को मिलेंगी। नेटली कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के एक दिन पहले अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और उसके बाद उसकी स्टोरी दो अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है। पहली स्टोरी लाइन में नेटली प्रेग्नेंट होती है और अपने मम्मी पापा के साथ जाकर रहने लगती है, वहीं दूसरी स्टोरी लाइन में नेटली प्रेग्नेंट नहीं होती है और लॉस एंजलिस चली जाती है अपना कैरियर बनाने के लिए। इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और आपको मज़ा आ जाएगा, इसलिए आपको इसे एक चांस ज़रूर देना ही चाहिए। ये भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। तो 4th पोजीशन पर है 2014 में रिलीज हुई एक सस्पेंस रोमांस थ्रिलर मूवी एडिक्टेड, जिसमें एना नाम की एक औरत है जो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है, शादीशुदा है, उसके दो बच्चे भी हैं, लेकिन उसे एक एडिक्शन लग जाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद होने लगती है। अब इस लिस्ट में हम कौन से एडिक्शन की बात कर रहे हैं वो तो आप लोग समझ ही सकते हो। एना और उसके पति के बीच रात में 3-4 बार होने के बाद भी उसका मन नहीं भरता, इसलिए वो दिन में दूसरे मर्दों के पास जाकर अपनी नीड्स को पूरा करती है। इस मूवी में आपको भर भर के 18+ वाले सीन्स देखने को मिलेंगे, और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, देख लेना, आपकी आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी भाई।
तो थर्ड पोजीशन की मूवी भाई साहब, इसके बारे में कुछ मत जानो, सीधा जाकर देख लो, आपको जो सुख और आनंद मिलेगा भाई, मज़ा ही आ जाएगा। इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और वो वाले सीन्स भी भर भर के हैं इस मूवी में। मूवी का नाम है आफ्टर वी कोलाइडेड, जो कि प्रिक्वल है आफ्टर वी फेल का, जिसमें सेम एक्टर्स हैं, लव स्टोरी है और 18 प्लस वाले सीन्स भी भर भर के हैं। और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, तो जाकर इसको देख लो बस। सेकेंड पोजिशन पर है 2022 में रिलीज़ हुई एक और मूवी रॉयल टीन। लीना नाम की एक लड़की को अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, बट उसे वहाँ एक लड़के से प्यार हो जाता है जो कि एक रॉयल प्रिंस होता है। उसके बाद मूवी में आपको उन्हीं दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जिस बीच आपको वो सब भी देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपको चरम सुख की प्राप्ति होगी। और ये मूवी भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी स्टोरी लाइन सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फाइनली फर्स्ट पोजीशन पर है 2022 में रिलीज़ हुई एक और मूवी थ्रू माई विंडो। इस मूवी में आपको राकेल नाम की एक लड़की की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे अपने सामने वाली खिड़की में रहने वाले एक लड़के से प्यार हो जाता है। अब वो उस लड़के को अपने प्यार में फंसा पाती है या नहीं, जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन इसकी स्टोरी काफ़ी ब्यूटीफुल है, कैरेक्टर्स काफ़ी क्यूट है, जो देखकर मज़ा आता है। इसमें वो वाले सीन्स भी भर भर के हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, चाहो और नेटफ्लिक्स पर हिंदी में इसको एंजॉय करो। तो दोस्तों, ये थी कुछ रोमांटिक 18 प्लस एडल्ट मूवीज़ जिनको देखकर आपके तन और मन दोनों को तृप्ति मिल जाएगी। हाँ, मैंने इस लिस्ट में कई पॉपुलर मूवी को ऐड करने की बजाय अंडररेटेड मूवी को ऐड करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं आपको ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता था जिन्हें आपने शायद ना देखा हो, वरना जो मूवी आपने ऑलरेडी देख रखी है उनकी बारे में बता के क्या फ़ायदा है। वेल, आप लोग इस लिस्ट में से कौन सी मूवी को देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ठोक दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।